अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी मटन चाम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चाम्स को अच्छी तरह गर्म पानी से धो लिया है और अब हम इसमें नमक और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका कुकर ऑन कर देंगे। मैंने 20 मिनट का प्रेशर ऑन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह चाम्प अच्छी तरह गल गए थे। इसमें आपने चाम्प को अच्छी तरह गला लेना है। कुकर ओपन करने के बाद आप इसमें जितना भी पानी है वो खुश कर लेंगे। अब हम चाम्प्स के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। आप हसबी ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें और इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। देन अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप 1 स्पून करके ऐड करेंगे। पहले 1 टेबल स्पून आप बेसन ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी डेलियाँ बन जाती हैं। तो इसके लिए आप पहले इसे मिक्स करेंगे और फिर 1 टेबल स्पून और ऐड करेंगे और फिर उसे और मिक्स करेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून बेसन ऐड किया था और इस तरह का बैटर रेडी हो जाएगा। और साथ में आप ब्रेड क्रम्स रखेंगे। अब हम चाम्स को बैटर में ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ हम मीडियम रखेंगे। दोनों साइडों को अच्छी तरह कुक करने के बाद आपके मज़ेदार क्रिस्पी मटन चाम्प रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।